नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना के फुलवारी शरीफ से है। लायंस क्लब ऑफ पटना ग्रैंड की ओर से बालमी ऑडिटोरियम बालमी कॉम्प्लेक्स फुलवारी शरीफ में नौमा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। नए सत्र के लिए भी क्लब ने अपनी पिछली टीम में ही विश्वास व्यक्त किया। क्लब प्रेसिडेंट लायन ई रामजी सिंह, क्लब सेक्रेटरी लायन रजनीश कुमार, क्लब ट्रेजरर के लिए लायन रमन कुमार पुनः निर्वाचित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब निदेशक स्वर्गीय लायन राजेश सहाय को पुष्प अंजलि अर्पित करने से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट 322 ई की जिलापाल लायन नम्रता सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप जिलापाल प्रथम लायन मधेश्वर सिंह तथा उप जिलापाल द्वितीय लायन विनोद अग्रवाल सम्मानित हुए। लायंस क्लब ऑफ पटना ग्रैंड मिशन गरिमा प्रोजेक्ट सुई धागा के तहत दो जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराया गया। लायंस क्लब लगातार ऐसे उद्यमी महिलाओं की तलाश कर उन्हें सहायता करने हेतु प्रयासरत है। मिशन गरिमा प्रोजेक्ट के तहत ही चिट्ठी हमारे नाम से एक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक लेटर बॉक्स भी लगाया गया, जिसमें कोई भी छात्रा अपनी समस्या पत्र डालकर अपनी बात बता सके। उस समस्या के निराकरण के लिए विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर क्लब के पदाधिकारी काम करेंगे। आज का कार्यक्रम तो पद स्थापना का वो एक कार्यक्रम था, लेकिन लायंस क्लब पटना ग्रैंड ने उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन मिशन गरिमा का दो कार्यक्रम किया। मिशन गरिमा नारी उत्थान के ऊपर ये कार्यक्रम बनाया गया है इस सत्र के लिए। इसमें 6 अलग अलग कार्य के क्षेत्र हैं, जिसमें लोगों को क्लबों को इन 6 में से जो भी उन्हें पसंद आए उन 6 में से किसी भी क्षेत्र पे वो अपना काम कर सकते हैं। पहला है गरिमा। गरिमा में कोई भी एक ऐसी महिला को आइडेंटिफाई करके जिसके ऊपर उसके पूरे परिवार का उसके ऊपर बोझ है, उसको अपना परिवार चलाना है, वैसे महिला को आइडेंटिफाई करके उसे एक फ्रूट या वेजिटेबल कार्ट देना है। ये फ्रूट और वेजिटेबल कार्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कार्ट है, जो कि साइकिल पर है। सामने में वो है, वो चलाएगी महिला, और सामने में वो कार्ट है जिस पे वो जो है मोहल्ले में घर घर जाके जिससे वो सब्जी और फल बेच सकती है और अपना रोजी रोटी कमा सकती है। इसका जो ये है दाम है वो 25,000 का वो शुल्क है उसका, जिसको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 12,500 का योगदान दिया जा रहा है और क्लब अपने तरफ से 12,500 उसमें लगा के उस कार्ड को एक महिला को देगा। सुई धागा में क्लब ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करके जिसको ज़रूरतमंद है उन्हें वो सिलाई मशीन देते हैं, जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके और परिवार चला सके। इसके अलावा चिट्ठी हमारे नाम है। चिट्ठी हमारे नाम में क्लब को किसी भी गर्ल्स स्कूल या कॉलेज में उस एक लेटर बॉक्स रखना है, जिसमें जो लड़कियां हैं उनको कोई अगर मानसिक परेशानी है या किसी प्रकार को उसको परेशानी फेस करना पड़ता है स्कूल कॉलेज आते जाते वक्त ईव टीसिंग का या किसी तरीके का, तो वो उसमें एक बेनामी चिट्ठी डाल सकती है, जिसको क्लब एक सेमिनार के तहत उसे वो उसको उसका वो एक वो उसको उसका वो एक सलाह दे के उसको वो दूर कर सकता है, या अगर उसे लगे कि उससे ज़्यादा कुछ वो कुछ सीरियस है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को वो चिट्ठी पहुँचा के एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से अगर चाहे तो क्लब वो लड़की को वो एक राहत दिलवा सकता है। वो है अपना चिट्ठी हमारे नाम। इसके अलावा हेल्थ फॉर हर है, जो वुमेन हाइजीन के ऊपर ये है, और अर्पण है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए है, ये कोरोना वॉरियर्स उनको सम्मान देना, या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स नहीं रहे उनके परिवार के बच्चे को एजुकेशन देना और कुछ आर्थिक सहाय देना, ये हो गया अपना अर्पण। और इसके अलावा हमारा लायंस बारी है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट लड़कियों को और महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके तहत वो अपना रोजी रोटी चला सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये मिशन गरिमा के अलग अलग क्षेत्र है जिसपे क्लबों को काम करना है। क्लब बहुत सारे क्लब्स पटना ग्रैंड भी बहुत बढ़ चढ़ के इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सुई धागा कर लिए, चिट्ठी हमारे नाम कर लिए, और ये अर्पण भी ये कर चुके हैं, और अब लायंस बारी ये लोग करने जा रहे हैं। तो यही है हम अपना मिशन गरिमा जो इस सत्र के लिए नारी उत्थान के लिए ये किया गया है, और सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट 322 ई के सभी क्लब्स इस पर बहुत बढ़ चढ़ के इसमें वो लोग हिस्सा ले रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। हमारा आज ये नौवां इंस्टॉलेशन है,
वो नवा इंस्टॉलेशन आज अपने इस बाल्मीकि ऑडिटोरियम में कर रहे हैं और इस क्लब में इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमारे नए मेंबर का एडिशन हुआ है और इसमें जो हमारे डीजी मैम साहिबा का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है गरिमा बारी हेल्थ फॉर हर और चिट्ठी हमारे नाम का सारे को हम लोग कर रहे हैं अर्पण। तो इसमें से 3-4 प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं और जो कि हम उम्मीद करते हैं कि विद इन दिस मंथ या अगले महीने तक जो रेस्ट प्रोजेक्ट बचा हम कर लेंगे। प्रोजेक्ट में कुछ महिलाओं को देखा गया, मशीन भी दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि हम लोग सुई धागा प्रोजेक्ट के तहत सिलाई मशीन दे रहे हैं, वैसे महिलाओं को दे रहे हैं जो सिलाई कटाई का काम जानती है लेकिन संजोग से पैसा के अभाव में वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रही है। अगर हम लोग उसको एक मशीन दो मशीन जो डोनेट किए हैं इससे उन लोगों को फायदा क्या होगा कि अपने जीवन यापन करने के लिए वो लोग अपने पैर पे स्वावलंबी हो जाएगी और अपने बच्चों का भरण पोषण पढ़ाई लिखाई अपना कर सकेगी। कितने लोगों को दिया गया? अभी आज हम 2 लोगों को दिए हैं और एक हम लोग दिए हैं लेटर बॉक्स जो गांधी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शंकर कुमार सर, उनको हम लोग डोनेट किए हैं और वहाँ पे अपना हम लोग उस लेटर बॉक्स लगा देंगे और लगाने के बाद उसमें जो बच्चे लोग या किसी ऐसे महिलाएं या वैसे बच्चियाँ जो जिनको बहुत कुछ अगर प्रताड़ित हैं या कहीं इलाज शर्म से किसी नहीं बोल पाती हैं तो वहाँ उसमें डालेगी, उनका सीधे हम लोग अपने क्लब से लेंगे और उस कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे एडमिशन तक और उसको अवगत करेंगे। आज कितने लोग सदस्य बने हैं? आज हमारे क्लब में 4 नए सदस्य बने हैं, बहुत ही वाइब्रेंट मेंबर हैं, चारों मेंबर बहुत ही वाइब्रेंट हैं और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट और अपने अपने फील्ड के काफी मजे हुए खिलाड़ी लोग हैं। इवन दैट कि पहले से ऑलरेडी लायंस में का समाज लायंस में नहीं थे लेकिन इस तरह का सोशल वर्क करते आ रहे थे पहले से ही। अब तक कितने बन चुके हैं? अभी तक हमारे आज तक करीब करीब 44 हो चुके हैं और जब मैं इस क्लब में ज्वाइन किया था उस वक्त 8 ही मेंबर थे, मात्र 8 मेंबर और जब से नहीं हमारे क्लब में 8 मेंबर थे। नाउ ए डेज यू हैविंग 44 मेंबर्स इन द क्लब एंड आवर क्लब इज अ वाइब्रेंट क्लब। हमारे क्लब के जितने जो मेंबर्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे विनम्र हैं, सब हम लोग सारे मिलजुल के सारा काम करते हैं, कहीं किसी तरह का कोई मसला शिकवा किसी के पास नहीं है। मैं इंजीनियर रामजी सिंह क्लब प्रेसिडेंट पटना ग्रांड एंड जोन चेयरपर्सन जोन 7।